I am Divakar Chaudhary, working as an assistant professor in the Department of Management at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today, I'll be taking lecture seven of Export Import Documentations, where I would be covering role of clearing and forwarding agents and cargo management Containerization. Let's move forward with it. Role of clearing and forwarding agents. What do we understand by this term? We will understand. वॉट इज़ द रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरडिंग एजेंट्स द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज टू एक्सपोर्टर्स टू इंश्योर स्मूद एंड टाइमली शिपमेंट ऑफ गुड्स रोल क्लियरिंग एजेंट्स ऑफ फॉर्विंग एजेंट्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है उनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोवाइड करना अलग अलग डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्टर्स को किस लिए ताकि स्मूद एंड टाइमली शिपमेंट हो सके गुड्स की Clearing and forwarding agents play a pivotal role in the selection of mode and route of transport. ये जो clearing and forwarding agents होते हैं ये बहुत ही major role play करते हैं किस चीज़ में कि mode of transport क्या होगा और किस route से ये goods का shipment किया जाएगा इसमें help करते हैं They are the specialized people to guide in selection of the shipping line, airline. ये लोग specialized people होते हैं जो कि गाइड करते हैं अच्छे से किस एयरलाइन को चूज किया जाए किस शिपिंग लाइन को चूज किया जाए इस चीज में हेल्प करते हैं एवरी एक्सपोर्टर इज कंसर्न विद टू इंश्योर दैट द गुड्स रीच द फाइनल बायर इन स्पेसिफाइड टाइम एंड दैट मिनिमल कॉस्ट इन द कंडीशन दे आर सेंट हर एक एक्सपोर्टर का कंसर्न क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स के साथ ये होता है इंश्योर करना कि जो भी हमारा बायर है उस तक गुड्स एक प्रॉपर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर ही पहुंच रहा है और कम से कम कॉस्ट में और अच्छे से अच्छी कंडीशन में उस तक पहुंचना चाहिए अब द एसेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स इज़ द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट ही यूज उसका जो भी एसेंस है डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स का उसका डिसीजन किस पर होता है कि कौन सा मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्ट उसने यूज़ किया है

उसका फाइनल चॉइस होना चाहिए ट्रांसपोर्ट को लेकर के ताकि उसको एक ऑप्टिमल कॉस्ट के अंदर उसके गुड्स ट्रांसपोर्ट हो सकें और प्रॉपरली शेड्यूल डिलीवरी टाइम के अंदर इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज ही अंडरटेक्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस कनेक्टेड विद एक्सपोर्ट्स सच एज मार्किंग लेबलिंग पैकिंग ऑफ गुड्स एडवाइजिंग ऑन ट्रेड लॉज अरेंजिंग लोकल ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज अपराइजिंग डेवलपमेंट्स On transportation and claiming duty drawback claims on behalf of the exporter. An efficient clearing and forwarding agent goes a long way to the exporter in the journey of exports to make the matter easier, comfortable, and maybe cheaper too. Above all, the agents act troubleshooters for the exports. In case of movement problems, it is well said a real clearing agent can perform all the functions. Except selling the goods. Where goods are transported by rail, export consignments are to be given either by B or C priority of the railway priority schedule as formulated by the railway board. There are 5 priorities in the schedule from the highest A to lowest E. Thus, B and C are fairly high priorities.

ये क्या होता है ये होता है कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन करना कंटेनर्स के अंदर कंटेनर इज नथिंग बट अ लार्ज मेटल बॉक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड डिजाइन एंड साइज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट कंटेनर क्या होते हैं कंटेनर होते हैं एक मेटल का बॉक्स जो कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड डिजाइन का बना हुआ होता है और जिसका एक प्रॉपर साइज होता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस मेटल बॉक्स को कहते हैं कंटेनर कंटेनर कैन बी इंटरचेंज बिटवीन शेप्स ट्रेन ट्रक्स

वॉज डन इन बैरल एंड वुड क्रेट्स जब ये लोडिंग और अनलोडिंग कंटेनराइजेशन से पहले कैसे की जाती थी लोडिंग और अनलोडिंग की जाती थी अलग अलग गुड्स की अलग अलग बैरल्स के अंदर सैक्स के अंदर या फिर लकड़ी की क्रेट्स के अंदर दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेक बल्क शिपिंग मैथड इस प्रोसेस को बर्क ब्रेक बल्क शिपिंग मैथड भी कहा जाता है इट वॉज वेरी लेबर इंटेंसिव शिप यूज टू स्पेंड मोर टाइम इन पोर्ट देन एट सी ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव होता था शिप को ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता था पोर्ट पर समुद्र से ज्यादा देयर वॉज ऑलवेज अ हाई रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड लॉस इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता था एक्सीडेंट और प्रोडक्ट डैमेज का जनरली इट वुड टेक अराउंड अ वेक टू अनलोड एंड लोड ई शिप इस मेथड के थ्रू कम से कम एक हफ़्ता लगता था दोबारा से लोड करना और अनलोड करना एक शिप को एंड सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कार्गो वॉज मेड एट पोर्ट ओनली जिसके अंदर पोर्ट पर ही सिक्सटी टू सेवेंटी फाइव परसेंट ट्रांसपोर्टिंग कार्गो की करनी पड़ती थी पहले डैमेज एंड थेफ्ट ऑफ कार्गो वॉज मोर लाइकली टू अकर ज़्यादा कई बार डैमेज होना कार्गो का ज़्यादा हो जाता था और कार्गो की चोरी भी होने के चांसेस होते थे ट्स मालकोम मैकलिन इज द फादर ऑफ कंटेनराइजेशन मालकन मैकलन फादर ऑफ कंटेनराइजेशन कहलाते हैं वो एक अमेरिकन थे जिन्होंने स्पेशल बॉक्स को नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इन्वेंट किया था इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वर्ल्ड फर्स्ट कंटेनर शिप वॉज सेल्ड विथ फिफ्टी एट कंटेनर इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स जो वर्ल्ड का पहला कंटेनरशिप था उसने सेल किया था 58 कंटेनर्स के साथ कंटेनर्स क्या वो मेटल बॉक्स ड्यूरिंग वियतनाम वॉर कंटेनर्स गॉट ह्यूज पॉपुलैरिटी वियतनाम वॉर के टाइम पर कंटेनर्स को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली नाउ द सीज कंप्लीटली चेंज बाय दिस स्पेशल मेटल बॉक्स लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया अभी जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वो और सुधार होता जा रहा है चीजों में तो अभी जो मेटल बॉक्स आ रहे हैं स्पेशल होते हैं काफी काफी सिक्योरिटी बाय होती है उसके अंदर प्रॉपर सिक्योर होते हैं चोरी का डर कम होता है जल्दी लोड हो जाते हैं काफ़ी चीज़ें इक्विपमेंट्स होती हैं उसके अंदर जिनसे प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाता है तो इसीलिए जब से ये स्पेशल मेटल बॉक्स आए हैं अभी तो ये सीनारियो कंप्लीटली बदल चुका है स्टैट्स, वेन वी टॉक अबाउट द स्टैट्स कार्गो लोडिंग कॉस्ट इज चेंज फ्रॉम 5.86 डॉलर पर टन टू 0.16 पर टन कार्गो लोडिंग कॉस्ट जो होती थी वो अब चेंज कर दी गई है 5.86 पर टन डॉलर से 0.16 पर टन डॉलर में कार्गो लोडिंग टाइम इज चेंज फ्रॉम 1.3 पॉइंट थ्री टन पर आर टू टेन थाउजेंड ट्स पर आर कार्गो का जो लोडिंग टाइम था वो चेंज हो चुका है 1.3 पॉइंट थ्री टन पर आर से दस हज़ार टन पर आर तो जल्दी हो गया ना कंटेनर का लोडिंग टाइम अब जल्दी लोड कर पाते हैं कॉस्ट कम लगती है काफ़ी बेटरमेंट्स हो गए हैं आज के टाइम में स्टार्ट्स पे जाने से कार्गो शिपिंग बाय कंटेनर इस चार्ज फ्रॉम जीरो परसेंट टू नाइन्टी परसेंट अप्रोक्सीमेटली कार्गो शिपिंग जो होती है कंटेनर की वो जीरो परसेंट से नाइन्टी परसेंट पे चेंज हो चुकी है देर आर ट्वेंटी मिलियन कंटेनर्स ट्रेवलिंग अक्रॉस द ओशंस आज के डेट में ओशन के अंदर कम से कम बीस मिलियन कंटेनर्स ट्रेवल कर रहे हैं आइडिया मिस इसमें आइडिया में क्या था मैलकॉम मैकलिन का क्या आइडिया था उसका आइडिया था कंटेनर वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट एफिशियंसी कुड बी ग्रेटली इंक्रीज थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड इंटरमॉडलिज्म मैल्को मैकलिन ने कहा था उसका आइडिया था कंटेनर को लेकर के कि ये जो कंसेप्ट है एफिशियंसी का ये बढ़ाया जा सकता है कैसे एक इंटरमॉडलिज्म सिस्टम के द्वारा इट इज सिस्टम इन विच द सेम कंटेनर विद सेम कार्गो कैन भी ट्रांसपोर्टेड विद मिनिमम इंटरप्शन वाइ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सेम कंटेनर और सेम कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कम से कम इंटरअपन के साथ किसी डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स के द्वारा रेवोल्यूशन वेन वी टॉक अबाउट द रेवल्यूशन ड्यू टू द इंटर मोडलिजम सिस्टम कंटेनर कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू एनी एक्सेसिबल पार्ट ऑफ दिस ग्लोब इस इंटर मॉडलिज्म सिस्टम के थ्रू इतना हो जाता है कि कंटेनर्स है ना बहुत ईजीली किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब कंटेनर में लोग वेरी लो टेक बट इट प्रूव दैट इवन अ लो टेक इनोवेशन कैन हैव लार्ज इम्पैक्ट ग्लोबली कंटेनर्स भले ही देखने में काफ़ी लो टेक्नोलॉजी के होते हैं लेकिन वो प्रूव कर देते हैं इस चीज़ को कि कम से कम लो टेक्नोलॉजी वाला इनोवेशन भी ग्लोबली लार्ज से लार्ज इंपैक्ट कर सकता है इट रिड्यूसेज द कॉस्ट टाइम एंड इंक्रीज द ऑफ ट्रेड उससे क्या होता है टाइम कम लगता है कॉस्ट कम हो जाती है एफिशियंसी ऑफ ट्रेड बढ़ जाता है ड्यू टू इट्स इकोनॉमिकल एडवांटेजेस इट इज यूनिवर्सली यूज इसके इकोनॉमिकल एडवांटेजेस की वजह से ये ग्लोबली यूज होता है और थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड्स मोर रिस्पॉानसिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन जो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड्स होती हैं ये बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन के लिए एंड इंटरनेशनल ट्रेड्स आर हाईली बूस्टेड बाई कंटेनराइजेशन और जो इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है कंटेनराइजेशन की वजह से सो कंटेनराइजेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबलाइजेशन इसलिए ग्लोबलाइजेशन के अंदर कंटेनराइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेन वी टॉक अबाउट द एडवाटेज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेनर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड कंटेनर की जो फ्लैक्सीबिलिटी होती है अलग अलग तरह के गुड्स की वो लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन लेस टाइम एट टर्मिनल टाइम कम वेस्ट होता है बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट होता है एंड लेस कॉस्ट वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग में स्टोर करना और ये सब चीज़ों में कम कॉस्टली पड़ता है क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है कंटेंट्स आर अननोन टू कैरियर्स इट मे बी डिसएडवांटेज फैक्टर फॉर सोशल इश्यूज कंटेंट्स जो होती हैं वो करियर्स को नहीं पता होते हैं क्योंकि वो डिसएडवांटेज हो जाता है सोशल इश्यूज की वजह से लेस चांसेस फॉर डैमेज एंड लॉस ऑफ कार्गो इसमें ना कार्गो के डैमेज होने के या फिर चोरी होने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं तो ये इसलिए एडवांटेज हो जाता है डिसएडवानटेजेज क्या होती है कंज्यूम्स लार्ज स्पेस ऑफ टर्मिनल डिसएडवांटेज ये होती है कि टर्मिनल का बहुत ज़्यादा स्पेस घेर लेते हैं क्योंकि कंटेनर बहुत बड़े होते हैं साइजेस में कंटेनर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉस्टली कंटेनर को जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं उसको लोड करने के लिए अनलोड करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंटेनर्स इज कॉम्प्लेक्स कंटेनर्स को अरेंज करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है रिपोजिशनिंग प्रॉब्लम विथ कंटेनर उसको बार बार रिपोजिशन करना बहुत मुश्किल है कॉस्टली आइटम्स में भी थेफ्ट जो महंगे आइटम्स हैं वो चोरी होने के चांसेस होते हैं इलीगल गुड्स एंड वेपन्स प्रोस्टिट्यूशन में भी कई बार देखा गया है जैसे न्यूज में भी आ रखा है कि कई बार ये कंटेनर्स ट्रांसपोर्ट प्रॉस्टिट्यूशन इलीगल गुड्स और वेपन्स में भी यूज किए जा चुके हैं ऐसा काफी मीडिया में हम लोगों ने देख चुका है तो ये भी एक तरह का डिसएडवांटेज हो जाता है इसलिए व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन टाइप्स ऑफ कंटेनर स्टैंडर्डाइजेशन आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन सेट स्टैंडर्ड साइजेस फॉर कंटेनर्स इन 1961 जो आईएसओ होता है वो कंटेनर्स के लिए एक स्टैंडर्ड साइज रखता था पहले नाइनटीन में देर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूनिवर्सली यूज साइज आर ट्वेंटी फोर्ट एंड फोर्टी फुट लेंथ जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सली यूज किए जाने वाले साइजेस हैं वो थे बीस फुट और चालीस फुट लेंथ ट्वेंटी फोट कंटेनर इज कॉल्ड एज ट्वेंटी फोर्थ इक्वेलेंट यूनिट टी यू एंड इट ऑल्सो बिकेम द स्टैंडर्ड फॉर वेसल्स कैपेसिटी जो ट्वेंटी फुट कंटेनर है वो ट्वेंटी फोर्ट इक्वेलेंट यूनिट भी कहा जाता है टी यू और वो बिग स्टैंडर्ड फॉर वेसल्स कैपेसिटी का भी बन चुका है 40 फुट कंटेनर 2 टी ई यू इज जनरली कॉल्ड 40 फुट इक्वेलेंट यूनिट एफ ई यू सम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑलमोस्ट वन कंटेनर इज लॉस्ट एवरी आर जो कंटेनर्स हैं वो हम लोग ऑलमोस्ट हर घंटे में कोई एक कंटेनर गवा रहे हैं अबाउट नाइन्टी फाइव परसेंट कंटेनर्स आर मैन्यूफैक्चर्ड इन चाइना जो कंटेनर्स बनाए गए हैं वो मैन्युफैक्चर चाइना में होते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट शांघाई एज़ द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन द वर्ल्ड जो चाइना में शांघाई है वो सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है वर्ल्ड के अंदर मेयर्स एम एस सी एक्सेट्रा है वेरी लार्ज कंटेनर शिप्स जो मेयर्स कंपनी है एम एस सी है ये कंपनी इसके बाद बहुत बड़े कंटेनर शिप्स हैं Life of containers is 20 years, generally at sea. The life of container is generally ki sea. Now, let us move on to the starting once again for the better understanding. I will go through once again uh, role of clearing and forwarding agents. Here we understood that the basic function is to provide the different range of services to the exporters to ensure. Smooth and timely shipment of goods. Clearing and forwarding agents play a pivotal role in the selection of mode and route of transport. They are the specialized people to guide in selection of the shipping line airline. Every exporter is concerned with distribution logistics to ensure that the goods reach the final buyer in specified time and at minimal cost. In the condition they are Sent. The essence of distribution logistics is the decision in respect of mode of transport to be used. Clearing agent advises exporter about the availability, alternative mode of transport, and guides exporter in decision making about the final choice of transport to achieve optimal cost in transporting the goods well within the delivery schedule. In addition to these activities, he undertakes most of the functions connected with exports such as marking labeling packing of goods advising on trade laws arranging local transportation as well as uprising developments on transportation and claiming duty drawback claims on behalf of the exporter an efficient clearing and forwarding agent goes a long way to the exporter in the journey of exports to make the matters easier comfortable and maybe cheaper too above all the agent acts as troubleshooters for the exports in case of movement problems it is well said a real clearing agent can perform all the functions except selling goods where goods are transported by rail export consignments are to be given either by b or c priority of the railway priority schedule as formulated by the railway board there are five priorities in the schedule from the highest a to lowest e thus b and c are fairly high priorities clearing and forwarding agents are also known as custom house agents or freight forwarders or shipping agents cargo management containerization when we talk about it we understood that the basic it's a transportation of cargo in containers Container is nothing but a large metal box of a standard design and size used for transport. Container can be interchanged between ships, trains, trucks with standardized handling equipment and without rehandling the contents. Before containerization, the loading and unloading of individual goods was done in barrels, sacks, and wooden crates. Jo This process is also called as break bulk shipping method. It was very labor intensive ship used to more spend more time in port than the sea. इसमें ships port पर ज़्यादा वक्त गुजारते थे sea पे sail करने के बजाय. There was always the high risk of accident and loss. इसमें accident और loss होने के बहुत chances होते थे, बहुत high risk होता था. तो कई बार ऐसा होता था कि एक-एक हफ्ता लग जाता था उनको loading और unloading करने में ship के ऊपर. और 60 टू 75 परसेंट जो ट्रांसपोर्टिंग कार्गो कॉस्ट होती है वो हमेशा पोर्ट पर ही हो जाती थी तो डैमेज और थेफ्ट कार्गो का बहुत ज्यादा होने के चांसेस थे इवेंट्स मालको मैकलीन इज द फादर ऑफ कंटेनराइजेशन जो मालको मैकलीन थे वो कंटेनराइजेशन के फादर कहलाते हैं ही वॉज एन अमेरिकन वो एक वो अमेरिका से थे जिन्होंने एक स्पेशल बॉक्स इन्वेंट किया 1956 में वो 1956 में फर्स्ट कंटेनर शिप उनका सेल हुआ था जिक्स के अंदर 58 एट कंटेनर्स थे जो वियतनाम वॉर के टाइम पर काफी ह्यूज पॉपुलैरिटी में आया और पूरा का पूरा इस स्पेशल बॉक्स ने स्पेशल मेटल बॉक्स ने पूरा का पूरा ये कंप्लीटली ही चेंज कर दिया उस टाइम का स्टार्ट कार्गो लोडिंग की कॉस्ट कितनी आती है कार्गो लोडिंग कॉस्ट इज चेंज फ्रॉम 5.86 पर टन डॉलर टू 0.16 पर टन डॉलर इसके अंदर क्या चेंजेस आए जो कॉस्ट हमें उस टाइम पर कार्गो लोडिंग की मिलती थी वो कॉस्ट 5.86 पर टन डॉलर होती थी वो अभी चेंज हो गई है 0.16 पर टन डॉलर के अंदर कार्गो लोडिंग का टाइम चेंज हो गया है 1.3 पॉइंट पर आवर होता था पहले अब दस हज़ार टन होता है पर कार्गो शिपिंग कंटेनर की चेंज हो गई है जीरो परसेंट से नाइनटी परसेंट अप्रॉक्सीमेटली आज की रेट में कम से कम बीस मिलियन कंटेनर्स हैं जो ओशंस पे ट्रैवल कर रहे हैं आइडिया मालकोम क्लींस आइडिया ऑफ कंटेनर वॉज बेस्ड ऑन कंसेप्ट एफिशिएंसी कुड बी ग्रेटली इंक्रूज थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड इंटरमोडलिज्म इंटरमोडलिज्म सिस्टम जो होता है उसके अंदर मिस्टर मालको मैकलिन ने क्या कहा था कि कंटेनर का जो कंसेप्ट है उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने का वो इंटर मॉडलिज्म सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है ये ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर वही सेम कंटेनर वही सेम कार्गो किस ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कम से कम इंटरप्शन के साथ और अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स में इसको कहते हैं इंटर रेवोल्यूशन ड्यू टू इंटर सिस्टम कंटेनर्स कैन भी ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू एनी एक्सेसिबल पार्ट ऑफ दिस ग्लोब ये इंटरमोडलिज्म सिस्टम की वजह से जो कंटेनर्स हैं अब वो ईजीली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं इस ग्लोब के किसी भी एक्सेसबल पार्ट पर कंटेनर में लुक वेरी लो टेक बट इट प्रूव्स दैट इवन अ लो टैक इनोवेशन कैन हैव अ लार्ज इम्पैक्ट ग्लोबली कंटेनर्स भले ही बहुत ही लो होते हैं टेक्नोलॉजी में लेकिन ये प्रूव करते हैं कि लो से लो टेक्नोलॉजी भी कई बार इनोवेशन जो होते हैं लो से लो टेक्नोलॉजी के वो भी ग्लोबली बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ सकते हैं इट रिज द कॉस्ट टाइम एंड इंक्रीज द ऑफ ट्रेड ये है ना कॉस्ट और टाइम को रिड्यूस करता है और एफिशियंसी बढ़ाता है ट्रेड की ड्यू टू इट्स इकोनॉमिकल एडवांटेजेस इट इज यूनिवर्सली यूज इंटरनेशनल ट्रेड्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन इसके इकोनॉमिकल एडवांटेजेस की वजह से ये यूनिवर्सली uh, कहा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबलाइजेशन के लिए क्योंकि कंटेनराइजेशन की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो काफी बूस्ट करता है और इसमें कंटेनराइजेशन प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल ग्लोबलाइज सॉरी ग्लोबलाइजेशन के होने में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंटेनर यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस जो कंटेनर का स्टैंडर्डाइजेशन है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाता है फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ कंटेनर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड कंटेनर में किसी भी तरह का गुड्स ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आती है लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फास्ट ट्रांसपोर्टेशन लेस टाइम एट टर्मिनल टर्मिनल पे बहुत ही कम टाइम लगता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत जल्दी होती है एंड लेस कॉस्टली वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग का जो कॉस्ट होता है वो बहुत कम हो जाता है कंटेंट्स आर अनोन टू द करियर्स करियर्स को कंटेंट्स का पता नहीं होता है तो वो डिसएडवांटेज फैक्टर होता है सोशल इशूज़ के लिए लेस चांसेस फॉर डैमेज एंड लॉस ऑफ कार्गो इसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कार्गो के चोरी होने में या फिर खराब होने में डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती है ये कंज्यूम करता है बहुत टर्मिनल का बहुत ज्यादा स्पेस कंटेनर हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉस्टली कंटेनर को संभालने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू उनको एक्सेस किया जाता है कंटेनर्स को वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं अरेंजमेंट ऑफ कंटेनर्स इज कॉम्प्लेक्स कंटेनर्स का अरेंजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है रीपोजिशनिंग प्रॉब्लम विद कंटेनर उसको दोबारा से रीपोजिशन करना इज़ वेरी टफ कॉस्टली आइटम्स मे बी थेफ्ट जो कॉस्टली आइटम्स हैं वो चोरी किए जा सकते हैं इलीगल गुड्स एंड वेपन्स प्रोस्टिक्यूशन में भी जो जैसे हम लोगों ने पहले भी कई बार न्यूज़ में भी देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के लिए जो कंटेनर्स हैं ये यूज किए जा रहे हैं इलीगल गुड्स और वेपन्स के लिए या अलग अलग रैकेट्स चल रहे हैं उसके थ्रू तो ये सारी चीज़ें भी डिसएडवाटेजेस में आती हैं वेन यू टॉक अवॉर्ट द स्टैंडर्डाइजेशन आई यू एस ओ जो कि होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज कंटेनर के लिए बनाया था 1961 में जहाँ पर दो यूनिवर्सली यूज साइजेस थे 20 फुट या 40 फुट ट्वेंटी फुट और 40 फुट लेंथ ट्वेंटी फुट कंटेनर को ट्वेंटी फुट इक्वेलेंट यूनिट भी कहा गया है टाउ टी यू एंड इट इज ऑल्सो बिकम द स्टैंडर्ड फॉर द वेसल्स कैपेसिटी एज वेल

95% परसेंट कंटेनर्स आर इन चाइना चाइना के अंदर 95 फाइव परसेंट कंटेनर्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं शंघाई इज द बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट इन वर्ल्ड, जो शंघाई है वो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट है वर्ल्ड का मेयर्स केमिस्ट्री एक्सेट्रा ये कंपनीज बहुत ही बड़े लार्ज कंटेनर शिप्स होते हैं इनके पास लाइफ ऑफ कंटेनर इज जनरली ट्वेंटी ईयर्स एट द सी एक कंटेनर की लाइफ समुद्र के ऊपर करीबन 20 साल की होती है और इसमें यही सब कुछ था विच वी हैव कवर्ड नाउ आई टॉक द रेफरेंसेस फॉर द रेफरेंस यू कैन यूज द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय रामागोपाल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय प्रोफेसर रवि फाड़के एंड प्रोफेसर पूजा अपराजिता एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बाय जेन बुक डिपो दैट्स ऑल फ्रॉम मी नाउ थैंक यू